कौन सी बहन अब की बार चमकेगी, बबीता फोगाट इन पॉलिटिक्स, दंगल 2 होगी किसकी मेन स्टोरी। नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। तो दंगल एक बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी में काफ़ी अलग प्लॉट यूज़ हुआ था जिसमें पहली बार लड़कियों को रेसलिंग करते हुए दिखाया गया था। अच्छी बात यह है कि मूवी ट्रू इवेंट पर बेस्ड थी और जानना यह है कि दंगल 2 आखिर किसकी स्टोरी पर फोकस करेगी। गीता और बबीता फोगाट को दंगल में काफ़ी फोकस मिला था, लेकिन उन्हीं की बहन रितु फोगाट और संगीता फोगाट और उनकी कजन्स विनेश फोगाट और प्रियंका फोगाट सब ही सेम लाइन रेसलिंग में अपना नाम अलग अलग रोशन कर चुकी हैं, कोई कॉमनवेल्थ गेम्स में तो कोई एशियन गेम्स में। तो ऐसे में फोगाट फैमिली चैम्पियंस प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन मूवी किस पर बनती है, देखने वाली बात तो ये होगी। सभी अपनी अपनी जगह अलग इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आगे बढ़ी हैं, लेकिन किसकी स्टोरी ऑडियंस को लुभाती है ये डायरेक्टर नितेश तिवारी पर है। हाल ही में जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने ये कहा था कि उन्हें अगर कोई एक्साइटिंग स्टोरी मिलती है तो वो ज़रूर ही दंगल 2 का निर्माण करना चाहेंगे। इसी के लिए उन्होंने महावीर सिंह फोगाट से कुछ मीटिंग्स भी अरेंज की हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि हर किसी की अपनी कहानी होती है और कोई बड़ी या छोटी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनका यही कहना है कि दंगल 2 उन्हीं दो बहनों को लेकर बनाई जाए। उनका ये मानना है कि उनकी दिक्कतें मूवी के बाद भी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में वो उन्हीं की कहानी को दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि मेकर्स और डायरेक्टर किसकी स्टोरी को फाइनल करते हैं। हाल ही में 2019 में बबीता फोगाट ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उनका ये मानना है कि स्पोर्ट्स को लेकर जिन महिलाओं को दिक्कत होती है वो उनके लिए काम करना चाहती हैं। उन्हें मूवी में सफलता के बाद टिकट भी आसानी से मिल गया और इसीलिए वो अपनी रेसलिंग के साथ साथ पॉलिटिक्स भी संभालने में उत्सुक थी। उनका यही कहना था कि अब उनके आने के बाद वुमेन्स कैटेगरी के मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और उनकी तरह हर एक औरत को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये भी एक इंटरेस्टिंग प्लॉट हो सकता है दंगल 2 की स्टोरी के लिए। दंगल 2 की मेन स्टोरी तो कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन मेकर्स इसे पॉलिटिक्स में मिक्स करते हैं या नहीं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो बस कुछ ही दिनों में डायरेक्टर नितेश तिवारी और टीम ऑफ राइटर्स एक न्यू स्टोरी को लेके अनाउंसमेंट कर सकते हैं और देखना ये होगा कि कैसे ये स्टोरी दंगल से मिलते जुलते होते हुए भी अलग होती है। तो आप दंगल 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी तब तक खुश रहें, सेफ रहें, चहकते रहें और जाते जाते बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।